और यूपी में जंगल राज पर राज्यपाल राम नायक से बात की हमारे संवाददाता शलभमणि त्रिपाठी ने, क्या कहना है उनका आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक जी। सर, एक ज्वलंत इशू इस टाइम चल रहा है, मुद्दा चल रहा है पत्रकार की हत्या को लेकर। आपके पास भी लोग आए थे तमाम राजनीतिक दलों के, और आपने भी संभवतः उनके परिवार से संपर्क किया था। इंसाफ के लिए वो टकटकी लगाए, राजभवन की तरफ भी देख रहे हैं, तो आपकी तरफ से सर कोई कार्रवाई हो रही है इस पर? ऐसा है कि इस प्रकार का मृत्यु एक बड़ा दुखद क्लेशदायक इस प्रकार की घटना है। अब मैंने मृत्यु शब्द का इसलिए उपयोग किया कि वह हत्या है या आत्महत्या है, इसका भी एक विवाद चल रहा है, लेकिन वो पत्रकार था और मुझे यह घटना के बाद और उनका मृत्यु होने के बाद शाहजहाँपुर के ही वहाँ के जो पत्रकार हैं वो एक डेलीगेशन पर 10 जून को मिलने के लिए आए थे जी। मतलब तुरंत घटना के बाद, तुरंत आज ही सुबह मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और इस संबंध में हमारी चर्चा हुई, और मैंने उनको कहा कि ऐसे घटना होने के बाद लोगों के मन में विश्वास पैदा होने की ज़रूरत होती है और वो करना चाहिए, साथ ही साथ ये शीघ्रता से उसका निर्णय होना चाहिए और कोई भी हालत में राजनीतिक दबाव नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों को भी लगना चाहिए कि नहीं आया है और कोई सक्षम पद्धति से उसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है यद्यपि लोगों की मांग सीबीआई की है, वो प्रदेश सरकार का अधिकार होता है सीबीआई के लिए देना या नहीं देना जी। लेकिन जनभावनाओं से मैंने उनको परिचित किया है और उन्होंने भी मुझे कहा है कि डीआईजी राठौड़ करके हैं, उस डीआईजी अधिकारी सक्षम है, प्रामाणिक है, तो उनको यह जांच दी है। और साथ ही साथ एक स्वाभाविक बात आती है कि ऐसे समय पर कुछ आर्थिक सहयोग जी, तो मैंने कहा कि आप किसानों के बारे में होता है तो कभी 20 लाख रुपए भी आपने दिए हैं, तो यह ख्याल में रखकर कि जो परिवार है जिस प्रकार का रहता है रहन सहन वो देखकर उनका परमानेंटली इस प्रकार की स्थिरता उनके जीवन में आए, इस प्रकार से आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं करूँगा करके।